दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल में। भाई आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 8-ball pool गेम कैसे खेलते हैं। देखिए 8-ball pool की बहुत सारी अलग अलग वैरायटीज होती हैं, सभी के अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ। 8-ball pool को एज सिंगल्स और डबल्स दोनों ट्रिक से खेला जा सकता है। गेम का मकसद कलर्ड बॉल को पॉकेट करना होता है। अपनी सातों बॉल्स को पॉकेट करने के बाद आपको जीतने के लिए लीगली 8 नंबर ब्लैक बॉल को पॉकेट करना होता है। अब आपको बताते हैं पूल खेलने के लिए क्या क्या चाहिए होता है। देखिए एक पूल टेबल, एक क्यू स्टिक, ट्राइंगल रैग, 1 से 7 नंबर की 7 सॉलिड बॉल्स, 9 से 15 नंबर की 7 स्ट्राइप बॉल्स, एक ब्लैक बॉल नंबर 8 और एक व्हाइट क्यू बॉल। इस बॉल को स्ट्राइक करके प्लेयर अदर्स बॉल को हिट करता है। अब ये जान लेते हैं कि भाई पहले कौन खेलता है। देखिए प्लेयर्स कॉइन को टॉस करके डिसाइड करते हैं। जो प्लेयर टॉस जीत जाता है ये उसकी मर्जी होती है, चाहे वो खुद पहले चल सकता है या ऑपोजिंग प्लेयर को टाई ब्रेकर की शुरुआत करने के लिए कह सकता है। अगर नेक्स्ट गेम खेलना हो तो लास्ट गेम के विनर के पास ब्रेक करने का ऑप्शन होता है। अब जानते हैं गेम प्रिपरेशन के बारे में, यानी कि गेम की तैयारियों के बारे में। देखिए बॉल्स को एक ट्रायंगल शेप में रखा जाता है, सभी बॉल्स को रेंडमली और 8 बॉल को सभी बॉल्स के सेंटर में। अब जानते हैं ब्रेक के रूल्स। व्हाइट क्यू बॉल को पहले किसी ऑब्जेक्ट बॉल को हिट करने की जरूरत नहीं होती है। और देखिए अगर ब्रेकर एक बॉल को पॉकेट कर लेता है तो कम से कम 4 बॉल्स कुशन्स को हिट होनी चाहिए। अगर ब्रेकर एक बॉल पॉकेट नहीं कर पाता है और कम से कम 4 या उससे ज्यादा बॉल्स को रेल तक ड्राइव करने में फेल हो जाता है तो ये एक इलीगल ब्रेक होगा। दोस्तों इलीगल ब्रेक के केस में दूसरा प्लेयर या तो टेबल को ऐसे ही एक्सेप्ट करके खेल सकता है या फिर रिलैक्स करके दोबारा ब्रेक करने के लिए कह सकता है। अब जानते हैं कि फाउल कब कब होते हैं। अगर क्यू बॉल आपकी सभी बॉल्स में से कम एक बॉल से कॉन्टैक्ट नहीं कर पाती, किसी ऐसी बॉल को पॉकेट करते हैं जिसे आपको पॉट नहीं करना था, अगर कोई बॉल टेबल से बाहर चमकर जाती है, अगर प्लेयर व्हाइट बॉल पॉकेट कर देता है, अगर ऑब्जेक्ट बॉल और क्यू बॉल दोनों ही टेबल के एज पे बने रेल को हिट नहीं कर पाती तो ये भी फाउल होगा। अगर अपनी टर्न लेते टाइम आपकी क्यू स्टिक किसी बॉल को हिट कर जाए तो भाई साहब ये भी फाउल होगा और आपकी टर्न भी चली जाएगी, याद रखेगा। और दोस्तों किसी भी ऑब्जेक्ट बॉल को क्यू बॉल के साथ टच करना, अगर क्यू स्टिक क्यू बॉल को शॉट करते टाइम 1 से ज्यादा बार स्ट्राइक कर दे तो हाँ ये भी फाउल है। चलिए अब गेम शुरू करते हैं। दोस्तों पहले प्लेयर के द्वारा व्हाइट क्यू बॉल को टेबल के हेड स्ट्रिंग के पीछे कहीं भी रखने पर गेम शुरू होता है, ठीक है। अगर आप ब्रेक के टाइम क्यू बॉल को पॉकेट कर देते हैं तो टर्न ओपोनेंट के हाथ में चली जाती है, याद रखेगा। अब ओपोनेंट प्लेयर शॉट के लिए टेबल पर क्यू बॉल को कहीं भी प्लेस कर सकता है, ओके। अगर आप ब्रेक के टाइम 1 से ज्यादा बॉल्स को पॉट कर देते हैं तो आपको एक और टर्न मिलती है लेकिन टेबल ओपन ही रहता है। दोस्तों ओपन का मतलब है कि आप चूज कर सकते हैं कि आपको सॉलिड बॉल्स चाहिए या फिर स्ट्राइप बॉल्स चाहिए। अगर आप सॉलिड बॉल्स को चूज करते हैं तो कहिए मैं सॉलिड हूँ, और अगर आप स्ट्राइप्स चूज करते हैं तो कहिए मैं स्ट्राइप हूँ। एक बात नोट कर लीजिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप सबसे पहले नंबर बॉल को पॉकेट करते हैं लेकिन आप सॉलिड और स्ट्राइप बॉल दोनों को सेम टाइम पॉट कर देते हैं तो आप चूज कर सकते हैं और कह सकते हैं कि आपको कौन सी बॉल्स का ग्रुप चाहिए। दोस्तों आपको पूरे गेम में उसी ग्रुप के बॉल्स को एम करना होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर ब्रेकर प्लेयर है तो आप सॉलिड 5 नंबर बॉल को पॉट करते हैं। अब आपको सिर्फ सॉलिड बॉल्स को टारगेट करना होगा, ठीक है। एक बार आप सभी सॉलिड बॉल्स को पॉट कर लेते हैं तो आपको अपने ओपोनेंट की सभी स्ट्राइप बॉल्स को पॉकेट करने से पहले 8 बॉल को टारगेट करने की जरूरत होती है। दोस्तों अपने ग्रुप ऑफ बॉल्स में से आप जितनी चाहें उतनी नंबर बॉल को एक शॉट में पॉट कर सकते हैं, यह आपकी मर्जी है। अभी आप गेम स्टार्ट करने से पहले डिसाइड कर सकते हैं अगर आप कॉल योर शॉट्स रूल के साथ खेलना चाहते हैं, ठीक है। कॉल योर शॉट्स रूल में प्लेयर अपने हर शॉट को कॉल कर सकता है, इसलिए आपको अनाउंस करना होता है कि आप किस बॉल को कौन से पॉकेट में पॉच करने वाले हैं। आपको ऐसे कहना होगा 11 नंबर बॉल मिडिल पॉकेट में। दोस्तों आपको अपनी क्यू स्टिक से इंडिकेट करके क्लियर करना होगा कि आप कौन से पॉकेट चूज कर रहे हैं। लेकिन 8 नंबर बॉल को पॉकेट करने से पहले आपको यह अनाउंस करना होगा कि आप बॉल को कहां पॉकेट करने वाले हैं। अब जान लेते हैं कि पूल गेम का एंड कैसे होता है। देखिए एक प्लेयर जो अपनी 7 बॉल्स को पॉकेट कर लेता है और फिर लीगली नंबर 8 बॉल को नॉमिनेटेड पॉकेट में पॉट कर लेता है वो जीत जाता है। और दोस्तों इन सभी सिचुएशंस में भी ओपोनेंट प्लेयर जीत जाता है। पहली, अगर 8 बॉल टेबल से नॉक हो जाती है। दूसरी, डिजिग्नेटेड पॉकेट के बजाय किसी और पॉकेट में 8 बॉल पॉट करने पर। तीसरी, अपनी सारी ऑब्जेक्ट बॉल्स पॉकेट करने से पहले 8 बॉल को पॉट करने पर। चौथी, और 8 बॉल को सेम शॉट पॉट करने पर। पांचवी, अगर प्लेयर 8 बॉल को पॉट करने के साथ ही फाउल भी कर देता है तो इन सिचुएशंस में भी ओपोनेंट प्लेयर जीत जाता है। दोस्तों आई होप आपको ये गेम समझ में आ गया होगा। कहीं भी कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज आप रिपीट करके देख लीजिएगा वीडियो, आपके सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। फ्रेंड्स आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज इसको लाइक करें, शेयर कीजिए और कमेंट करें।
और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें।